स्वागत है मित्रों, यूफो किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी पनीर चिली। देसी पनीर चिली के लिए हमने क्या किया है, ये करीब 150 ग्राम पनीर ले लिया और उसको इस ढंग से चौकोर चौकोर टुकड़े में हमने काट लिया है। और उसको मैं क्या करूँगा, इस प्लेट में निकाल देता हूँ। ये देखिए, इस प्लेट में निकाल लिया हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये मेरे पास कॉर्न स्टार्च है वो ले लेते हैं थोड़ा सा। इसको ऐसे सब पे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिए कॉर्न स्टार्च को, जिसमें सब पे लग जाए बस थोड़ा सा। ये देखिए, और ऐसे ही थोड़ा सा नमक भी हम कर देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, तो नमक भी हो गया। और अब इसको हम हल्का सा शैलो फ्राई करते हैं। तो शैलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन ले लिया, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल गरम करते हैं। अच्छा, ये जो नया नॉनस्टिक पैन हमने लिया है, ये सिरामिक कोटिंग है इसके ऊपर और ये सेफ़ माना जाता है काफ़ी अभी तक, तो इसको इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अधिकतर हम आजकल कोशिश करते हैं कास्ट आयरन वगैरह में बनाएं, लेकिन अब ये चूंकि सेलो फ्राई करना था इसलिए इसके अंदर बना रहे हैं इसको। अच्छा देखिए, हमने गैस मीडियम पर रख ली है इसकी और ये अब पनीर इसके अंदर हम डालते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे चलाते जाइएगा जिसमें नीचे लगे ना, वो नॉन स्टिक में वैसे लगता नहीं है, लेकिन इसको फिर भी ऐसे आप अलग करते जाइएगा एक जगह से। और इसी ढंग से हम इसको चारों तरफ से हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। जब आप इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं तो एक एक तरफ से करीब करीब दो दो तीन तीन मिनट में होएगा ये, तो आराम से होने दीजिए इसको। मीडियम आँच पर ही करिएगा, तो आँच तेज़ मत करिएगा। वैसे दो दो तीन तीन मिनट एक एक साइड करके और फिर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, एक साइड हो गया दो मिनट करीब होते हुए, अब इसको हम पलटाते हैं। ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास ऐसा कलर चाहिए हमको चारों तरफ। ये जब इसको आप पलटाएंगे ना, तो इसमें उसमें चूंकि पानी होता है थोड़ा सा, तो इस समय एकदम आँच उसकी लो कर दीजिए इसमें पलटाते हो, और फिर उसको मीडियम आँच पे करके और फिर पकने दीजिए इसको दूसरी तरफ से भी दो मिनट। हर तरफ से इस ढंग का जब कलर आ जाएगा तब हम इसको मान लेंगे ये पन गया पूरा। तो ये देखिए, इसको पकाते पकाते हर तरफ से दो दो तीन तीन मिनट तक पकाया है, तो अब ये लगभग तैयार हो गई। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसको ऑफ़ कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसको पनीर निकाल लिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास फ्राई हो गई है। और अब हम इसको फिर से ऑन कर लेंगे, तो इसी के अंदर बना लेते हैं। जो तेल इसके लिए हमने लिया था उसी को बस इस्तेमाल कर लेते हैं, आगे भी हल्का सा तेल गर्म हो जाने देते हैं। तो ये देखिए, इसका तेल गर्म हो गया होगा, उसमें आप थोड़ा सा जीरा डाल दें। ये देखिए, और जैसे ही जीरा थोड़ा सा तड़कने लगे, इसके अंदर ये मैंने दो हरी मिर्च ले ली है, तो है एक लाल रंग की लेकिन है वही हरी वाली मिर्च है, और इसको डाल दीजिए। अच्छा, इसको सब मीडियम और हाई के बीच में पकाइएगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती नहीं पकने में। बस इसके अंदर ये मिर्चा डाल दिया आपने। अच्छा, मिर्च को स्लिट ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वो फूट सकता है उसके अंदर। अब इसके अंदर हम ये प्याज डाल देते हैं। ये प्याज मैंने क्या किया है, दो मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसको इतने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। इसको भी हल्का सा बस पकाते हैं। देखिए, बस ऐसे प्याज लगातार चला के आप हल्का सा पकाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसमें कुछ भी। और ये थोड़ी सी हाई हीट कर देता हूँ मैं इसकी, मीडियम से हाई के बीच में। और अब इस लेवल पर आके हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। शिमला मिर्च भी हमने वैसे ही टुकड़े किए जैसे हमने प्याज के किए थे, ये शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको भी चला लीजिए, अब थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। अच्छा, इस लेवल पे हम बहुत थोड़ा सा नमक इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि आप इसमें सोया सॉस भी डालेंगे और पनीर में भी हमने थोड़ा सा डाल दिया था नमक, तो आधा चम्मच ही नमक डालिए और इसको चला दीजिए, मिला लीजिए। अच्छा देखिए, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, एक चम्मच कॉर्न स्टार्च ले लिया, इसका भी हम घोल बना लेते हैं पानी डाल के, फर्स्ट क्लास। इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन घोल बना के अभी से रख देते हैं और उसको मिला लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। ठंडे पानी से करिएगा इसको, गर्म से मत करिएगा। और ये हमने इसको घोल लिया। अच्छा, जब तक वो हमारे वहाँ पर पक रहा है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर
एक चम्मच ये सोया सॉस ले लेते हैं। ये देखिए एक चम्मच सोया सॉस ले लिया, एक चम्मच स्वीट चिली सॉस है मेरे पास, ये स्वीट चिली सॉस ले लेते हैं हम लोग, वो भी इसके अंदर मिला देते हैं। ये थोड़ा एक चम्मच से ऊपर नीचे जो भी हो जाए थोड़ा बहुत चलता है इसमें। अच्छा, और इसके अंदर आधा चम्मच अब हम केचप मिलाते हैं, ये आधा चम्मच हम इसके अंदर केचप डाल लेते हैं। ये केचप मिला लिया हमने, इसको मिक्स कर लीजिए। और साथ में ये एक चम्मच वाइट विनेगर मिला के हम और इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए क्या फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। अब इस घोल को हम इसके अंदर डालते हैं। देखिए, और फिर सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। अब सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ये अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस पानी के अंदर उबाल आने देते हैं और फिर देखते हैं आगे। तो देखिए पानी उबाल आ गया फर्स्ट क्लास, और सब्जियां भी नरम हो गई हैं दोनों। अब इसके अंदर इस लेवल पे आके आप क्या करिए, ये आधा चम्मच शक्कर है वो मिला देते हैं। मिलाने के बाद में ये देख रहे हैं आप लिक्विड जो है इसके अंदर, उसको थोड़ा थिक करने के लिए हमने ये जो कॉर्न स्टार्च था उसका जो हमने पानी मिला के बनाया था घोल, उसको डालते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, और जैसे ही आप इसको डालेंगे ये थिकनेस होने लगी। ये देखिए सॉस में जैसी कंसिस्टेंसी हम चाहते हैं, और ये पूरा थिक हो उसके पहले इसके अंदर पनीर डाल देते हैं, ठीक है ना। और इसको भी मिक्स कर लीजिए पनीर को इसके अंदर। अच्छा, इसको हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, पनीर टूटे ना। अच्छा, हुआ क्या था कि हमने जो पनीर लाया था वो पनीर थी मलाई पनीर, तो मलाई पनीर की जगह आपको नॉर्मल पनीर मिले तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मलाई पनीर इस ढंग से टूटने लगती है, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं बाज़ार में, तो जो है वो तो हमें मलाई पनीर मिली तो उसी से हमने बनाया इसको। तो ये देखिए क्या बढ़िया बन के आया। अब इसको हमारे तैयार है बिल्कुल, देखिए क्या एकदम बिना ग्रेवी का है, एकदम थिक पेस्ट हो गया उसका वो, और बस इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए हम इसको, ये क्या फर्स्ट क्लास आया, ये देखिए डिश आउट कर रहे हैं इसमें। तो देखिए क्या बेहतरीन बन के आई ये डिश। तो फिर आप भी बनाएं और खिलाएं देसी पनीर चिली, खाने वाले कहेंगे ऐसी पनीर आज तक नहीं मिली। तो फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ में, बहुत जल्दी इंतज़ार करिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहें।